हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी स्टडी। टुडे वी आर टेकिंग अ पोइट्री, फादर टू सन पोइट्री। एक्चुअल में व्हाट हैपन्स इन दिस पोइट्री, इस कविता में होता क्या है, एक देयर इज़ अ गैप बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे में एक गैप पैदा हो गया। मीन्स नाउ दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, अब वो योग्य नहीं है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। बच्चा बड़ा हो गया है, नाउ ही हैज़ हिज ओन फीलिंग्स, ऑन थिंकिंग्स, ऑन थाट्स, व्यूज, ओपिनियंस, उसकी अपनी अब राय बना चुका है। मतलब ही हैज़ सेपरेटेड हिमसेल्फ टू हिज फादर, वो अपने पिता से अपने आप को अलग कर चुका है। एंड दिस पोइम सोल्व्स द ग्रीफ ऑफ ए फादर, और वो एक पिता के दुख को जो है दिखा रही है ये पोइट्री। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एज यूजुअल आई से टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। द पोइम इज लेमेंट, द पोइम इज अ लेमेंट। लेमेंट होता है दुख, कवि जो लेमेंट दुखी, ये जो कविता है ये लेमेंट दुख को दिखाती है ऑफ ए फादर, पिता के, बिकॉज ऑफ चार्स। चार्स में होता है खाई, एक तरह से गैप, क्योंकि एक गैप है बिटवीन हिज सन एंड हिज एंड हिम, मतलब उसके और उसके बेटे के बीच में। हैड वाइडन ओवर द ईयर्स, वाइडन बहुत चौड़ा गैप हो चुका है कई सालों से। मतलब दे आर नॉट, जो बच्चा है ही डजेंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता की फीलिंग को नहीं समझना चाहता है। ही हैज़ मेड हिज ओन वर्ल्ड, वो अपनी ही दुनिया बना चुका है। द फादर फील्स दैट, पिता ही महसूस करता है ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ रहा हिज सन्स, ऑल्दो दे हैव लिव्ड अंडर द सेम रूफ फॉर ईयर्स, कि वो ये पिता ये नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार मेरा बच्चा क्या सोचता है, क्या करता है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक ही दुनिया में रहते हुए, मीन्स एक ही छत के नीचे रहते हुए मैं अपने बच्चे की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा हूँ। जबकि एक्चुअल में व्हाट हैपन्स होता क्या, दैट जो बच्चा ही हैज सेपरेटेड हिमसेल्फ टू हिज फादर, जबकि बच्चे ने अपने आप को अलग कर दिया क्योंकि युवा हो गया है, अब वो ये समझता है कि मीन्स ही सुपीरियर टू हिज फादर, वो अपने पिता से ज़्यादा सुपीरियर है विचारों में, हर चीज़ में। एनीवे ही रिग्रेट्स, और पिता को दुख होता है दैट द सन सीम्स टू हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू हिम, कि उसका बच्चा उसके लिए एक अजनबी बन गया है। द फादर वांट्स टू स्टार्ट एफ्रेश, लेकिन पिता फिर भी दोबारा, पिता की फीलिंग्स ऐसी होती हैं फिर भी वो दोबारा अपने बच्चे के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। एंड रिकॉल मूवमेंट, रिकॉल याद करना चाहता उस सन को, कौन सा, व्हेन द सन वाज ए चाइल्ड, जब उसका बच्चा लड़का एक बच्चा हुआ करता था। क्योंकि वास्तव में वैसे भी जनरली आई से टू द चिल्ड्रन, मैं भी कहता हूँ कि ऑलवेज बी अ चाइल्ड, सदा हमें बच्चा बन के रहना चाहिए टू आवर पेरेंट्स या इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स के सामने, क्योंकि यदि हम बच्चे बन के रहेंगे हमारी फीलिंग्स वो समझ पाएंगे, हमारी इच्छाएँ वो पूरी कर पाएंगे, लेकिन हम क्या है? हम समझना नहीं चाहते अपने पेरेंट्सों को। एंड ही फील्स दैट, यू महसूस करता है असेंशियल, ए पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फादर, कि भाई जो ये जो जो ये सम जो रिलेशन है वो पिता के द्वारा खराब कर दिया गया, बच्चा ये कहना शुरू कर देता है बड़ा होके। द लव द फादर सोव, और प्रेम जो पिता दिखाता है अपॉन हिज सन, अपने बच्चे को, फेल ऑन बैरन ग्राउंड, बैरन एक बंजर भूमि की तरह हो गया, अब वो अपने पिता के प्रेम को ही नहीं समझता है। इट वॉज अनरेसिप्रोकल, अनरेसिप्रोकल होता है मीन्स जो है अनरेसिप्रोकल मीन्स ना समझना चाहे, एक जो कम्युनिकेट ना कर पाए वो, या अनुत्तरित मीन्स जो कम्युनिकेट देयर इज द सेम, उत्तर ना देना चाहे या कम्युनिकेशन ना करना चाहे। दे टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करते हैं लाइक द स्ट्रेंजर, अजनबियों की तरह। एंड देयर इज नो साइन एनी एग्रीमेंट, कोई सहमति का कोई चिन्ह ही नहीं नजर आता बिटवीन देम, उनके बीच में। फादर ट्राइज टू फैशन द चाइल्ड इन टू अ लाइकनेस ऑफ हिम, बच्चे वो जो पिता वो चाहता है बच्चे के फैशन में हर चीज़ की इच्छा को जो चाहता है कि लेकिन कि मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन कम टू मी, लेकिन मेरे पास अब वापस आओ। बट दे हैव ग्रोन ए पार्ट, लेकिन वो अलग हो चुके हैं। द फादर फाइंड्स इट इम्पॉसिबल, और पिता अपने आप को असंभव पाता टू अंडरस्टैंड द सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपने बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक को समझ। नाउ देयर इज टोटल लैक, लैक मीन्स कमी, अब क्या पूरी तरह से कमी आ गई है कम्युनिकेशन,
बातचीत में बिटवीन दैम, मतलब अब वो दोनों पिता और बेटे बातें नहीं करते हैं। द फादर वांट वुड वांट हिज सन टू रिटर्न टू हिम लाइक द प्रियोडिगल सन। प्रियोडिगल होता है खर्चीला, कि भैया बेटा आप फिजूल खर्च भी कर लो लेकिन मेरे पास तो आ जाओ, कम से कम पिता चाहता है कि वो उसका बच्चा उसके पास रहे। मीन्स ही वुड एक्सेप्ट ऑल हिज जो प्रोडिगल्स, या इसका सैनोनिम बनेगा स्पेंड थ्रप्स, फिजूल खर्ची को वो स्वीकार कर लेता है। ही वुड वैल्यू दैम कमिंग क्लोजर रादर दैन द सन मूविंग अवे, कि बच्चा दूर चला गया इसके अलावा वो कह रहा है वो कोई भी फीलिंग्स अपनी शेयर करेगा, कुछ भी कहेगा वो हर बात को मानेगा। द फादर फील्स फील्स ही वुड फॉरगिव, और वो माफ़ कर देगा अपने बच्चे को आउट ऑफ दिस ग्रीफ, इस मतलब के बावजूद, अपने इस दुख के बावजूद भी जो पिता को है वो अपने बच्चे को माफ़ कर देगा। ए न्यू लव वुड ब्लूजम, और उनके बीच में एक नया प्रेम फिर खिलेगा बनेगा। एज फादर एंड सन, एक पिता और बेटे के तौर पर दे ऑट टू शेयर, उन्हें शेयर करना चाहिए द सेम वर्ल्ड, मतलब एक ही दुनिया में रहना चाहिए, मीन्स एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। द फादर इज ग्रीव्ड, पिता दुखी है, एंड इट इज़ हिज सोरो, इसका दुख है, दैट एट टाइम्स टेक्स ही फॉर्म ऑफ एंगर्स, यस, और जो दुख होता है वो एक फॉर्म ले लेता है, एक रूप ले लेता है गुस्से का। हमें गुस्सा कब होता है, हम कब हमारे अंदर एक गुस्से की फीलिंग्स आती है, जब हमें किसी चीज़ का दुख होता है, तो उसके बाद इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ एंगर। बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों ट्राई टू रीच, कोशिश करते हैं पहुँचने की आउट टू ईच अदर, एक दूसरे के बट में, एक दूसरे के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबका सब व्यर्थ, द ग्रीप इज टू वाइड, गैप मीन्स जो ये गैप है, डिस्टेंस, बीच में जो डिस्टेंस है दोनों पिता और बेटे के में, वो बहुत बड़ा है। नाउ स्टूडेंट, देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू मेंशन देम इन योर फेयर कॉपी एंड लर्न देम। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, लाइक दिस, ये दो क्वेश्चंस है, फर्स्ट सेकेंड, लाइक वाई व्हाट डज द फादर नो एनीथिंग अबाउट, नेक्स्ट इज वाई इज द फादर अनहैप्पी विद हिज सन, व्हाट डज द फादर लॉन्ग फॉर, क्या इच्छा है उसके पिता की। नेक्स्ट इज कैन यू सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू द वाइड, क्या आप अपनी तरफ से कोई समाधान दे सकते हो कि जो पिता और बेटे के बीच में गैप है, हाउ वी कैन फुलफिल या फिल दैट गैप। हु डू यू सैम्पथाइज, सहानुभूति रखना। नेक्स्ट इज हु डू यू सैम्पथाइज विद द फादर टू सन लाइक दिस। एट द नेक्स्ट टू आर दीज क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग, बच्चों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इनको फेयर कॉपी में लिख देना। एक आपको बच्चों जो भी ग्रामर टॉपिक कोई किसी वीडियो बनवानी हो, आपकी समझ में नहीं आता, प्लीज़ कमेंट करें और मैसेज डाल दें मेरे लिए कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दो, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो, और वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक से। एनीवे, थैंक यू।